जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दुनिया में आर्तक ध्यान बहुत बढ़ गया। ध्यान के दो प्रकार या दो कोटियां ध्यान की, एकाग्रता का होना बहुत अच्छा है, पर एकाग्रता अपने आप में शक्ति है, अच्छा बुरा उसका उपयोग होता है। जैसे धन एक पदार्थ है, अब धन अच्छा या बुरा पदार्थ पदार्थ है, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा बुरा उसका उपयोग होता है। तो एकाग्रता भी शक्ति है हमारी, और बहुत बड़ी शक्ति, जीवन में सफलता देने वाली, कार्य को सुचारू रूप से सिद्ध करने वाली एक शक्ति है हमारी एकाग्रता। अब अच्छी या बुरी ये उसका प्रयोग है। इसीलिए ध्यान के दो प्रकार कर दिए, और भी अनेक प्रकार है, पर दो प्रयोग जो है हमारे सामने उनकी चर्चा करना अपेक्षित मानता हूं। आर्तक ध्यान और धर्म ध्यान। एक आर्तक ध्यान है जो तनाव पैदा करने वाला है, संताप पैदा करने वाला। आज तनाव सब बहुत प्रचलित है, और प्राचीन जमाने में तनाव का एक शब्द था संताप, ताप और संताप, संताप देने वाला, तनाव पैदा करने वाला। आर्तक ध्यान संताप पैदा करता है, और धर्म ध्यान से संताप दूर होता है। धर्म ध्यान के समय सत्य की खोज की जाती है, जब मनुष्य सत्य की खोज में प्रवृत्त होता है उस समय तनाव नहीं होता। और यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति में राग द्वेष प्रबल नहीं होते, उसकी व्याख्या करने वाले में, अनुयायी में तो राग द्वेष प्रबल हो जाते हैं, परंतु सत्य की खोज करने वाला है उसका राग द्वेष प्रबल नहीं होता। और जो राग द्वेष प्रबल हो तो वह सत्य की खोज कर ही नहीं सकता, उस समय तो शांत रहता, इतना एकाग्र पता भी नहीं चलता। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि जिस समय वे अपनी प्रयोगशाला में खोज करते, उस समय उनको याद नहीं रहती दूसरी बात, इतनी गहरी एकाग्रता, और उसमें कोई राग द्वेष नहीं, केवल नियम की खोज, केवल सत्य की खोज और अपना प्रयोग। और कभी कभी तो ऐसा होता कि भोजन करना भी भूल जाते। एक बार ऐसा हुआ जो लगेगा कि ये तो बहुत साधारण सी बात है, एक बच्चे की सी बात है, फिर कैसे हुआ। एक मित्र को भोजन के लिए बुलाया, वह आ गया समय पर, आइंस्टीन अपने कार्य में व्यस्त थे, अपने
कार्य को छोड़ नहीं सके, और जिस समय व्यक्ति सत्य की खोज के निकट पहुंचता है उस समय इतनी तन्मयता हो जाती है कि बाहर की सारी बातें भूल जाता है। तो भोजन की बात भूल गए, एक मित्र को बुलाया था, निमंत्रण दिया था, इस बात को भी भूल गए, समय अतिक्रांत हो गया। मित्र आया, देखा वे तो अपने काम में लगे हुए हैं, बैठा कुछ देर तो प्रतीक्षा की, आधा घंटा घंटा, फिर उसने सोचा मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा, भोजन टेबल पर पड़ा था, खाकर वह तो चला गया और खाया भी अपना ही नहीं खाया, आइंस्टीन का था वो, उसको भी साफ कर गया। अब आइंस्टीन आए, देखा भोजन का समय हो गया, भोजन करने आए, देखा तो वहां तो बर्तन साफ है, पात्र साफ है और चूल्हू का सा पानी पड़ा है, तो उसने सोचा अच्छा मैंने तो भोजन कर लिया था, वापस जाकर काम में लग गए। अब सुनने में कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एक छोटा बच्चा जैसे करता है, किंतु एकाग्रता और चंचलता की कहानियां अलग अलग है। चंचलता के समय व्यक्ति में जो वृत्त होता है, जो घटित होता है, वह एक अलग प्रकार का होता है, और एकाग्रता में उसका चरित्र और वृत्त दूसरे प्रकार का हो जाता है। तो एकाग्रता हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। मन की चंचलता को कम करना बहुत बड़ी समस्या है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो 10 मिनट तक एक विचार पर एकाग्र रह जाए, 25 मिनट की बात तो और आगे है और एक घंटा की बात तो और आगे है। जो व्यक्ति 50 मिनट एक घंटा एक विचार पर एकाग्र हो जाए, उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी, दृष्टिकोण बदल जाएगा, चिंतन भी बदल जाएगा। और जो भ्रांतियां पैदा हुई है, एक भ्रांतियों का चक्र भले बना हुआ है, वह भी टूट जाएगा। हम भ्रांति को क्यों पालते हैं? शायद कोई प्रकृति का ऐसा नियम है कि मनुष्य भ्रांति को पालता रहे इसलिए दुनिया चलती रही। अगर भ्रांति को न पाले तो दुनिया भी नहीं चल सकती। और भ्रांति को पालने का सबसे बड़ा शक्तिशाली कोई शस्त्र है तो वह है चंचलता। चंचलता में भ्रांतियां पनपती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और जिसमें भ्रांति है वह दुनिया को चलाता रहेगा। कई बार सोचता हूं कि हमारे धर्म के लोग वैराग्य की बात बहुत कहते हैं, अनासक्ति की बात कहते हैं, पदार्थ को त्यागने की बात कहते हैं, और उससे आगे मोह ममता को कम करने की, मूर्छा को तोड़ने की बात कहते हैं। वापस चिंतन मुड़ता है तो यह आता है कि अगर सब ने मोह ममता और मूर्छा तोड़ दी तो यह दुनिया समाप्त हो जाएगी, दुनिया चलेगी कैसे? मोह के आधार पर तो सारी दुनिया चल रही है। अगर मोह न हो तो फिर दुनिया नहीं चलेगी। फिर तो दो शब्द हमारे बन गए, मोह या मोक्ष। या तो दुनिया में मोह रहेगा या मोक्ष रहेगा। मोह कभी टूटता नहीं है, और मोह राग द्वेष को पैदा करता है, भ्रांतियों को पैदा करता है, और भ्रांतियों के कारण मनुष्य मिथ्या दृष्टिकोण का निर्माण करता है। जो सच नहीं है उसको सच मान लेता है, जो सच है उसको झूठ मान लेता है। ये सारा भ्रांति के कारण ही तो होता है। इन सब की जड़ में है मन की चंचलता। एक ऐसा सुरक्षा का शस्त्र है मोह के पास, या भ्रांतियों न टूटे, इसलिए कि चंचलता है तो भ्रांति नहीं टूटेगी। जैसे ही एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है तो भ्रांति का चक्र टूटने लगता है, तो शायद मोह का आसन भी हिलने लग जाता है। चंचलता, हम मान लें कि दुनिया को चलाने वाली है मन की चंचलता,
जो चला रही है सबको और कहीं रोकती नहीं है। उस चंचलता को कम करने के लिए कुछ उपाय खोजे गए और कुछ कहीं कहीं आकर्षण होता है, वह चंचलता अपने आप भी कम हो जाती है। कोई भी प्रिय वस्तु सामने आई, चंचलता कम हो जाएगी, उसमें वह एकाग्र हो जाएगा, चाहे देखने का हो चाहे श्रव्य हो सुनने का हो, उसमें उसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति कभी कभी जब अश्लील साहित्य पढ़ने बैठता है तो बहुत एकाग्र हो जाता है, अश्लील दृश्य देखता है, वासना को उत्तेजना देने वाले दृश्य देखता है तो उसमें एकाग्र हो जाता है, कभी कभी हिंसा के प्रसंग में भी एकाग्र हो जाता है, और जब झूठ बोलने का प्रसंग हो तो बहुत एकाग्र होना पड़ता है, क्योंकि कोई आदमी सीधा झूठ नहीं बोल सकता, उसके मन में रहता है कि मैं झूठ बोलता हूं और मेरा झूठ कहीं प्रकट न हो जाए, तो उसके लिए तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, पूरा माया जाल बिछाना पड़ता है कि मैं झूठ भी बोलूं और वह प्रकट भी न हो, एक सारी व्यूह रचना करनी पड़ती है उसको, तो अन्यथा झूठ सामने आ जाए तो कितना करना पड़ता है। एक सारा ऐसा माया जाल है, इंद्र जाल है, जिसमें सच तो झूठ बन जाता है, झूठ सच बन जाता है। आप लोगों ने इंद्र जाल के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, पुराने जमाने में यह विद्या बहुत चलती थी और बहुत सारे भारतीय लोग इसमें माहिर थे, इंद्र जाल की विद्या में, और बड़ी विलक्षण विद्या थी इंद्र जाल की विद्या। आज जितने चलते हैं नाटक सिनेमा और भी जो इंटरनेट आदि जितने भी आज कंप्यूटर पर हैं, किंतु इंद्रजाल जैसी विद्या तो आज भी चालू नहीं है। अगर इंद्रजाल की विद्या चालू हो तो जयपुर का कोई भी नागरिक सिनेमा घर को पसंद नहीं करेगा, इंद्रजाल घर को पसंद करेगा, यह आएगा, क्योंकि इंद्रजाल में असत को सत दिखा दिया जाता है। एक तालाब दिखाएगा कितना बड़ा है तालाब, और पानी से भरा हुआ, दो मिनट बाद आप देखें तालाब बिल्कुल सूखा है, जाकर देख ले बने उसमें प्रत्यय कर ले, और एक तालाब पानी से भरा हुआ है खाली, एक तालाब पानी से खाली है, दो मिनट बाद पानी ऊपर तक छलक रहा। अब कितना एक विस्मयकारी लगता है, सारी भ्रांति, किंतु भ्रांति बड़ी विचित्र होती है। एक बार राजा की सभा में एक इंद्रजालिक आया, और पुराने जमाने में बड़े बड़े शक्तिशाली इंद्रजालिक होते थे, और उसने कहा महाराज आप निश्चिंत होकर राज्यसभा में बैठे हैं, आपको पता नहीं, कोई आपके पास ज्योतिषी नहीं है, कोई तत्वज्ञानी नहीं है, कोई अंतर्दृष्टा नहीं है, आपको पता नहीं, देखिए दो मिनट बाद आपका सारा यह नगर डूब जाए। राजा ने कहा कैसे डूब जाएगा, आकाश तो सूखा पड़ा है, कोरा खाली है, बादल भी नहीं है। उसने कहा महाराज मैं कहता हूं वह सच है, सारी संसद राजा सब आश्चर्य में कैसे देखते देखते आकाश बादलों से घिर गया, घनघोर वर्षा हो रही है और इतना पानी बरस रहा है, पानी नहीं एक एक बूंद जैसे मूसलधार, कहते हैं मूसलाधार, ऐसी वर्षा हो रही है, और देखते देखते लगा कि नगर पानी में तैर रहा है, राज्यसभा के पास भी पानी आ रहा है और भीतर पानी घुस रहा है,
अब सब सांसद और राजा चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, प्रकंपित हो गए भय से। और सब ने कहा, अरे भाई तुम बचाओ, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तुम बचाओ। चारों तरफ से बचाने बचाने की आवाज। उसने कहा आंख खोलो बंद करो, फिर खोलो फिर बंद करो। 2 मिनट बाद देखा तो वैसा का वैसा कुछ है ही नहीं। शायद आज ऐसा कोई नहीं दिखा सकता। बड़ी विद्या थी, परंतु सारी भ्रांति, भ्रांति मन को भ्रांत बनाने वाली विद्या। पता नहीं कितने प्रयोग हुए। तो ये सब भ्रांति पैदा करने वाले तत्व हैं, जो सत्य तक ले जा सके, चेतना को विशुद्ध बना सके और सारी विकृतियों को, विकारों को समाप्त कर सके, वह है सत्य की खोज, धर्म ध्यान। दूसरा होता है अर्थ ध्यान। और आदमी ज्यादा दुखी अर्थ ध्यान से बनता है। आप स्वयं अनुभव करें, स्वयं ध्यान के द्वारा देखें, भीतर जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि मैं जितना दुख मान रहा हूं दुनिया में उतना दुख है नहीं। दुख वास्तव में उतना नहीं है जितना आदमी मान रहा है। दुख की गाथा तो बहुत गाती है, पता नहीं कितना दुख है। हमें भी आश्चर्य होता है कि जब दुख की गाथा सुनते हैं, कोई दिन शायद कम खाली जाता है कि 5-10 दुख की गाथा सुनने को नहीं मिली। हर दिन मिलती है, कभी पता नहीं कितने लोग आए और मेरा यह दुख है, मेरा यह दुख है, दुख की गाथा को सुनने को मिला। हर रोज मिलता है। मैं देखता हूं दुख इतना है तो नहीं। कहीं भी आकाश में आपको दुख नहीं दिखाई देगा। कहीं कहीं प्राकृतिक प्रकोप होता है तो समस्या का कारण बन जाता है, फिर भी वह दुख का कारण तो नहीं बनता। न कोई जयपुर के बाजार में जैसे हीरा पन्ना बिकते हैं कोई दुख बिकता है, और न कोई कारखाना है कि जहां दुख पैदा किया जाए। कोई भी उसका उत्पाद नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं है। फिर कहां है दुख? व्यक्ति अपनी भ्रांति के कारण दुख का सृजन करता है। अगर उसे सत्य का बोध हो तो दुख कम हो जाए। भ्रांति के कारण वैसा कर रहा है। एक भ्रांतियां पाल ली, अवधारणा बना ली और उसके आधार पर दुख भोगता है। मान्यता के आधार पर दुख भोगता है। मान्यता बना ली कि बड़ा आदमी आए तो छोटों को खड़ा होना चाहिए। अब बड़े के मन में एक धारणा बन गई और उसके अहं का पोषण भी हो गया या सुख का साधन बन गया। अब एक बड़ा आदमी आया, छोटा आदमी बैठा था, खड़ा नहीं हुआ, बट बेचारा खड़ा नहीं हुआ, दुखी वह बन गया। बड़ा आदमी दुखी बन गया क्योंकि उसके अहं को चोट लगी कि मैं आया और ये खड़ा नहीं हुआ। मैंने ऐसा देखा है कि कोई बड़े सेठ थे, आए जो अध्यापक पढ़ा रहा था, ट्यूशन का था, पढ़ा रहा था, खड़ा नहीं हुआ। तत्काल अपने अधिकारी को बुलाया, बुलाकर कहा इसकी आज ही छुट्टी कर दो। पूछा क्यों, क्या कारण है? अच्छा नहीं, इतने पढ़ाता तो अच्छा है, तो फिर मैं आया खड़ा नहीं हुआ, बस छुट्टी कर दो, इसको नहीं रखना है। अब दुखी कौन बना? शायद आप स्वयं देख लें कि पिता ने पुत्र को कुछ कहा, पुत्र ने नहीं माना, तो उस समय कि मैंने कहा मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैं तो दुखी बन गया। बेटा दुखी बने या ना बने, पिता तो बन गया। यही बात पति और सास की होती है। पति सोचता है कि मैंने, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, बस अहम पर चोट है और वह दुखी बन जाता है। और यही सास बहू की बात है कि मेरी बात नहीं मानती, उसके मन पर चोट हो जाती है, और चोट नहीं होती, वह तनाव इतना बढ़ता है
कि तनाव लंबा होता चला जाता है और तनाव कभी निकलता नहीं। ऐसी मानसिक व्यथा पैदा होती है कि वह अनेक दिनों तक चालू रहती है और उसका परिणाम भी कलह के रूप में आता है, लड़ाई झगड़े के रूप में आता है, संघर्ष के रूप में आता है। तो पूरे वक्तव्य का अगर आप निष्कर्ष और सारांश जानना चाहें तो वह यह है कि आदमी सत्य की खोज में लग जाए, सत्य को खोजे और बहुत छोटी बात है और वैसे बहुत बड़ी बात है। सत्य की खोज तो कह सकते हैं कई बड़े दार्शनिकों की तात्विकों की बात है, हर साधारण आदमी कैसे कर सकता है। अरे साधारण आदमी भी कर सकता है सत्य की खोज, साधारण आदमियों ने तो बहुत खोजें की है और उन्होंने बहुत रास्ते भी सुझाए हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक कहीं अटक जाते वहाँ भी होता है। न्यूटन ने जब कहा खाती को बुलाकर कि देखो दरवाजा बना रहे हो तो दरवाजे में दो छोटी खिड़कियां रख देना, पूछे क्यों, कि एक कुत्ता है मेरा पाला हुआ और एक बिल्ली है, एक कुत्ते के आने के लिए एक बिल्ली पालने के लिए। तब वह खाती बोला कि सर जिसमें से कुत्ता आएगा बिल्ली तो उसमें से आ जाएगी, फिर दो बनाने की जरूरत क्या है। अच्छा ठीक बात है तुम्हारी बात, ठीक है नहीं एक ही बनाना है। तो कहीं कहीं छोटे आदमी भी बहुत अच्छी बात सुझा सकते हैं और इसीलिए संस्कृत साहित्य में जल पड़ा कि बाला दपि सुभाषितम, अच्छी बात बच्चे से भी स्वीकार करो, उसकी भी सुनो ध्यान दो, बहुत अच्छी बात वह कह सकता है कभी कभी। और कभी कभी बच्चों ने ऐसे मार्ग सुझा दिए तो बड़ों को भी आश्चर्य होता है। इसलिए हर व्यक्ति के मन में एक अभिप्सा जागे, एक जिज्ञासा जागे कि मुझे सत्य की खोज करना है, सत्य की दिशा में चलना है और जो भ्रांति का जीवन है उस चक्रव्यूह को जरा तोड़ देना है, निरंतर भ्रांति में नहीं रहना है। तो उसके लिए आवश्यक है धर्म ध्यान का प्रयोग। धर्म ध्यान का प्रयोग होगा, सत्य की खोज होगी तो फिर कष्ट नहीं होगा, बहुत कम कष्ट हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कष्ट कि आपको शायद खोजना पड़े कि कष्ट है कहाँ। बड़ा आश्चर्य है, एक जैन साधक ने ध्यान किया, कायोत्सर्ग गहरा किया, कायोत्सर्ग इतने गहरे कायोत्सर्ग में चले गए कि शरीर का भान भी नहीं रहा, हल्कापन भी आता है और शरीर की सारी क्रिया बंद हो जाती है, सूक्ष्म क्रिया चलती होगी सारी स्थूल क्रिया बंद हो जाती है। जब ऐसी स्थिति बनी और बड़े साधक थे और जोर जोर से बोले आओ आओ आओ, तो शिष्य दौड़कर आए कि क्या बात है, आए और बोले हम क्या करें कि मेरा शरीर कहीं खो गया, ढूंढ कर लाओ, खोज कर लाओ कहाँ चला गया, ये ऐसा क्यों होता है। इसीलिए कि भ्रांति का चक्र टूट गया, शरीर का ममत्व का बंधन भी टूट गया और इतना शिथिलीकरण हो गया, तो छोटा आदमी भी खोज कर सकता है, वह भी सहायक बन सकता है, हर आदमी कर सकता है। मैंने तो एक बार कहा था कि जो महिला रसोई पर बैठती है वह बड़ी दार्शनिक बन सकती है, रसोई बनाने में ही बड़ा दर्शन है और वह दार्शनिक बन सकती है, अच्छा और अच्छे खोज करने वाली भी बन सकती है। इसलिए हम निष्कर्ष पर जाएं कि कोई भी आदमी दुख को कम करना चाहता है और सुख का जीवन जीना चाहता है उससे यह करना चाहिए कि आर्त ध्यान से बचे और धर्म ध्यान का अभ्यास करें, सत्य की खोज करें, नियमों की खोज करें, सच्चाइयों को समझने का प्रयत्न करें कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, अमुक व्यक्ति मेरी बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है,
अच्छी बात मैं कहता हूं अरे क्यों नहीं मान रहा है, ये सारे नियम है, इन नियमों की खोज करें। तो खोज करते करते ऐसा एक दिन आ सकता है कि आप सच्चाई को ढूंढ लेंगे और फिर आपका सारा व्यवहार बदल जाएगा। जब व्यवहार बदलेगा तो जो आपकी बात नहीं मान रहे वह भी मानने लग जाएगा, वह भी ध्यान देगा कि अमुक व्यक्ति कह रहा है तो अवश्य उस बात पर मुझे ध्यान देना चाहिए। और जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा तब तक आपकी बात मानने में कठिनाई होगी, और जब तक व्यवहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप सत्य की खोज नहीं करेंगे, दृष्टि नहीं बदलेंगे, दिशा नहीं बदलेंगे और सत्य की खोज नहीं करेंगे। इसलिए हो थोड़े में आप दो शब्दों को समझ सकते हैं, एक और हमारी है आर्त ध्यान, दूसरी ओर है धर्म ध्यान। दुखी बनने का यह है तंत्र आर्त ध्यान, सुखी बनने का यह है धर्म ध्यान, यानी सत्य की खोज, दिशा परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन और व्यवहार परिवर्तन। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।